दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों आज फिर से हाजिर हूँ एक न्यू प्रोफेशन वीडियो के साथ में। मैं हमेशा कोशिश करते रहता हूँ कि आपके प्रोफेशन के बारे में मालूम करता रहूँ, कहीं से मुझे जानकारी मिल जाए उसके बारे में, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी इसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ। और मैं अपने दोस्तों को भी थैंक्स कहना चाहूँगा जो अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर करते हैं। उनके हेल्प से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहता हूँ। इन्हीं दोस्तों की हेल्प से मैं पहले भी आप लोगों के लिए प्रोफेशन वीडियो बना चुका हूँ। ये सारी वीडियोस है, अगर आपका ये प्रोफेशन इनमें से कुछ है दोस्तों, अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर से देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, आज बात करने वाले हैं ऑटोमेटिव इलेक्ट्रिशियन के बारे में। अगर आपका भी प्रोफेशन ऑटोमेटिव इलेक्ट्रिशियन का है, अगर आप टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं तो आज का वीडियो पूरा देखिए, इंशाल्लाह आपको एग्जाम देने में कुछ हेल्प मिल सकता है। तो चलिए और देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो में बहुत बहुत स्वागत है। जो दोस्त पहली बार आए हमारे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके मैं सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लिए, ताकि मैं कोई भी आप लोगों के लिए इसी तरह की यूजफुल वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमेटिव इलेक्ट्रिशियन के बारे में। आज मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन जो मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ में शेयर किया है, इनका नाम है वसीम खान। तो वसीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में आपने शेयर किया। तो दोस्तों आज का वीडियो मैंने वसीम भाई के हेल्प से बनाया है। और दोस्तों अगर आप भी अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप किसी में भी मुझसे कांटेक्ट करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो मुझे बताइएगा, मैं उस बेसिक पर दूसरा वीडियो बना के दूसरे भाइयों को बता सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिशियन का कुछ क्वेश्चन जो हो सकता है कि आपको अपने एग्जाम में देखने को मिले। क्वेश्चन, कार की 12 वोल्ट की बैटरी में कितने सेलों का प्रयोग होता है? आंसर 8। क्वेश्चन, कार के किस हिस्से में बिजली रहती है? आंसर बैटरी। क्वेश्चन, जब चाबी घुमाई जाती है तो करंट कहाँ जाता है? आंसर आरंभ करने के लिए। क्वेश्चन, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्युत प्रणाली अच्छी स्थिति में है, एक साधारण चीज़ क्या है जिसे आप आसानी से कार में जांच कर सकते हैं? उत्तर जंग। क्वेश्चन, विद्युत प्रणाली का कौन सा भाग बैटरी को चार्ज रखता है? आंसर अल्टरनेटर। क्वेश्चन, कौन सा भाग बैटरी को अधिक चार्ज होने से रोकता है? आंसर वोल्टेज नियामक। क्वेश्चन, इसमें से कौन सा गलत तरीके से काम करने की श्रेणी में आता है? आंसर बिना हैंडल के फाइल करना, चलती मशीन में तेल लगाना, स्टार्टर को बंद किए बिना मशीन को खोलना, ये सभी। क्वेश्चन, इनमें से आग लगने का क्या कारण हो सकता है? आंसर विद्युत का शॉर्ट सर्किट होना, सुरक्षा नियमों को अनदेखी करना, अधिक गति पर चलने वाले मार्गों को तेल ना पहुंचना, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन, ट्यूब टाइप टायर की तुलना में ट्यूबलेस टायर का लाभ है? आंसर धीमी हवा का रिजर्व, बेहतर ईंधन क्षमता, फ्लैट चलने की कम संभावना, ये सभी। क्वेश्चन, 48 वोल्ट फोर क्लिप बैटरी अलग अलग 2 वोल्ट सेल से बनी है, कितनी सेल होती है? आंसर 24। क्वेश्चन, किसी बैटरी की क्षमता कैपेसिटी किसमें नापी जाती है? आंसर एम्पियर घंटा में। क्वेश्चन, बैटरी चार्ज करने के लिए क्या आवश्यकता है? आंसर डीसी। तो दोस्तों ये था कुछ क्वेश्चन ऑटोमेटिव इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड जो मैंने वसीम भाई की हेल्प से आप लोगों को बताया। और जरूरी नहीं है दोस्तों ये जो क्वेश्चन वसीम भाई को आया ये क्वेश्चन आपको भी मिले, हो सकता है कुछ सिमिलर क्वेश्चन मिले या हो सकता है कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। इसलिए दोस्तों आप भी अपने हिसाब से तैयार होकर जाइए, अपने प्रिपेयर होइए एग्जाम के लिए। मैं आपसे एक बात भी कहना चाहता हूँ, ये बात मैं हर वीडियो में आपसे कहता आता हूँ दोस्तों, अगर आप अपना काम में बेसिक नॉलेज भी रखते हैं तो आप इंशाल्लाह जरूर से पास करिए, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। क्वेश्चन जो है बहुत ईजी आता है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है या मन में किसी तरह डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट जितना जल्दी हो सके दोस्तों आपको कमेंट कर मैं रिप्लाई करूंगा।
और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके अपने एग्जाम के बारे में जानने के लिए, प्रिपेयर होने के लिए। ओके दोस्तों, और अभी तक हमें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर पर क्लिक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए इस तरह का कोई यूजफुल वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।